नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 23 खेला जाएगा 9 अप्रैल को पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लानपुर के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा इस मैच में महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा हर आईपीएल मैच से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हर आईपीएल मुकाबले का एक्यूरेट मैच विनर, टॉस एंड सेशन की रिपोर्ट जैकपॉट एंट्री के साथ पाना चाहते हो, तो एक बार आप सूर्या प्रेडिक्शन के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनकी रिपोर्ट काफ़ी एक्यूरेट होती है और काम भी काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए अगर आप भी आईपीएल 2024 के दौरान प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 23 के लिए महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले T20 डोमेस्टिक मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के टोटल 23 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 8 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 148 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 116 रन्स का रहा है। तो आप इन सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि T20 डोमेस्टिक मैचेस में इस पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज़्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से T20 डोमेस्टिक मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने इस मैदान पर ज़्यादातर मुकाबले जीते हैं। लेकिन आईपीएल इतिहास का सिर्फ एक ही मैच इस मैदान पर खेला गया है और वो मैच हुआ था आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 174 रनों का स्कोर बनाया था, लेकिन जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने उस स्कोर को 19.2 ओवर्स में आसानी के साथ चेस कर लिया था। उस मुकाबले में हमें बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिली थी। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफ़ी आसान साबित हुआ था, क्योंकि गेंद बल्ले पर काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही थी, जिसके कारण दोनों इनिंग्स में बल्लेबाजों ने काफ़ी इंजॉय किया था इस पिच पर बल्लेबाजी करना, और यही कारण था कि आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था। इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं वहाँ भी यही बताया जा रहा है कि एक बार फिर से आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल सकती है, तो फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ज़्यादा बड़ा मैदान नहीं है, जहां पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 67 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 64 मीटर्स की है और स्ट्रेट बाउंड्री 75 मीटर्स की है। तो सामने की तरफ ये मैदान थोड़ा सा बड़ा है, पर इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशंस ज़्यादा लार्ज नहीं है, तो ऐसे में आपको यहां पर भी काफ़ी ज़्यादा चौके और छक्के देखने को मिल सकते हैं। और इस मैच में जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप PBKS और SRH के पास मौजूद है, बहुत ज़्यादा चौके और छक्के लगने की भी संभावना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है
तो उनको पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना होगा, मतलब 190 से 200 के बीच में या फिर 200 के ऊपर, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के आसपास या फिर 170 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ओवरऑल जैसी पिच कंडीशंस यहाँ की हैं, मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा और चेस करने के लिए अपनी टीम को बैक करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए T20 डोमेस्टिक मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो जम्मू एंड कश्मीर का है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 238 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल मेघालय का है हरियाणा के खिलाफ 53 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो बड़ौदा ने किया है मुंबई के खिलाफ 149 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो कर्नाटका ने किया है जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ 147 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 T20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 33 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 19 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 23 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 10 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 9 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 T20 मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में इस पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी झटकाए हैं। IPL 2024 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, उस मुकाबले में भी तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था। उस मैच में टोटल 15 विकेट्स गिरे थे जिसमें से 8 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए थे जबकि 4 विकेट्स स्पिनर्स को मिले थे। तो इस मैच में भी जो तेज गेंदबाज हैं वो स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे पावर प्ले ओवर्स हों या फिर मिडिल ओवर्स हों, तेज गेंदबाज इस मैच में भी आपको ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो उस मुकाबले में स्पिनर्स को 4 विकेट्स मिले थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और राइट आर्म लेग स्पिनर्स काफी इफेक्टिव साबित हुए थे, उनको मिडिल ओवर्स में पिच से ग्रिप और टर्न मिल रही थी। और इस मैच में भी दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद होंगे जो कि मिडिल ओवर्स में 1 या 2 विकेट्स चटका सकते हैं, पर इस मैच में भी ओवरऑल फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर या 1 राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले पंजाब किंग्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेस्टो, नंबर 3 पर आ सकते हैं प्रभसिमरन सिंह, नंबर 4 पर सैम करन, नंबर 5 पर सिकंदर रजा, नंबर 6 पर शशांक सिंह, नंबर 7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, नंबर 8 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 9 पर हरप्रीत ब्रार, नंबर 10 पर कैगिसोर अबाडा और नंबर 11 पर हर्षल पटेल आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पंजाब किंग्स की टीम बल्लेबाजी करेगी तब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम आशुतोष शर्मा को इस्तेमाल कर सकती है तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको SRH की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर आ सकते हैं एडन माक्रम, नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन, नंबर 5 पर नीतीश रेड्डी, नंबर 6 पर शाहबाज अहमद, नंबर 7 पर अब्दुल समाद, नंबर 8 पर कप्तान पैट कमिंस, नंबर 9 पर जयदेव उनाडकट, नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पर टी नटराजन आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम गेंदबाजी करेगी तब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज ट्रेविस हेड की जगह पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें
तो आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का आमना सामना टोटल 21 मैचेस में हुआ है, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 मैचेस जीते हैं जबकि पंजाब किंग्स की टीम ने सिर्फ 7 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में एसआरएच का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं वहां भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को एज हासिल है, क्योंकि एसआरएच ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि पंजाब किंग्स की टीम सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करोगे तो फॉर्म वाइज दोनों टीमें लगभग बराबरी पर नजर आ रही हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप पंजाब किंग्स की तरफ से लियाम लिविंगस्टन के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 327 रन बनाए हैं 54 के एवरेज और 170 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप प्रप सिमरन सिंह को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 295 रन बनाए हैं 29 के एवरेज और 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हेनरिक क्लासन के साथ जा सकते हो जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 10 मैचेस में 472 रन बना चुके हैं 59 के शानदार एवरेज और 184 के खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप अभिषेक शर्मा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो जो कि इस आईपीएल 2024 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले 9 मैचेस में 248 रन बना चुके हैं 27 के एवरेज और 174 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले पंजाब किंग्स के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हरप्रीत ब्रार के साथ जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं 7 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो पिछला मैच इस मैदान पर खेला था उसमें हरप्रीत ब्रार काफी इकोनॉमिकल भी रहे थे और 1 विकेट भी चटकाया था। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर राहुल चहर के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 8 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 23 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर आप इनके साथ नहीं जाना चाहते हो तो इनकी जगह पर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को फैंटेसी 11 में रख सकते हो जो कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे और काफी विकेट्स भी चटका सकते हैं। दूसरी तरफ आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं 9 की इकोनॉमी और 24 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी नटराजन के साथ भी जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 8 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 21 के स्ट्राइक रेट के साथ। मोस्टली ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और डेथ ओवर्स में बहुत ज्यादा विकेट्स भी चटका सकते हैं। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो आईपीएल 2024 में अभी तक इन दोनों टीमों ने 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 मुकाबले जीते हैं और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले शानदार अंदाज से जीत करा रही हैं तो इस समय दोनों टीमों के पास विनिंग मोमेंटम है। ऐसे में आपको इन दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो फिर चाहे बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट हो या फिर गेंदबाजी का, हर लिहाज से सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन ये मैच खेला जाएगा मुलानपुर में जो कि पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है, तो होम सपोर्ट और होम एडवांटेज इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम को मिलेगा। तो क्लोज मैच हो सकता है पर मुझे लगता है कि इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है और ऐसे में इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2024 का मैच नंबर 23 जीतेगी, पंजाब किंग्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।